दशरथ आए वशिष्ठ के पास बैठ करके रोने लगे हैं और कहा है वशिष्ठ से, गुरुदेव अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, समाज के लोग हमारी बुराइयां करते हैं, मुझे संतानहीन कह करके अपमानित करते हैं, लेकिन पशु पक्षी भी हमारी बदनामियां कर रहे हैं। तो वशिष्ठ कहने लगे, नहीं दशरथ घबराओ नहीं। दशरथ ने तो ये कहा, गुरुदेव के जीवन की श्वास चुकी रही है, हार माती भी सामने झूली